नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एग्जांपल नंबर टू, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था याद करिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल करना, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताते हैं, ध्यान से चेक करो, जैसे हमारे पास एक नंबर है 2/5। अब हमने बोला कि भाई 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो 5/2 इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब समझो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में, खत्म। तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2 और 5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/5, ठीक। और एक चीज और याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/5 का 5/2 है ना, तो 2/5 का जो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। चेक कर लो, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1। तो बहरहाल मोटी मोटी बात यह है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल कर दो बस। जैसे 3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7/3, बस खत्म। अब आप बताओ यहां पर कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 0/1 का कितना होगा, 0/1। तो बच्चों 0/1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, MI का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं। हाँ, नीचे क्या है, नीचे 1 है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर में 0 है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक। तो इसका 0/1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, 1/0 है। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, अगर आपको कभी भी डिनोमिनेटर में कितना मिल जाए, 0, तो उसको बोलते हैं मैथ्स में नॉट डिफाइंड, याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे बच्चे नोट लगाएं कॉपी में, अगर आपको दिया है 5/0 किसी ने तो ये है नॉट डिफाइंड, याद रखिएगा, ठीक है। अगर 0/5 दिया है, मतलब अगर 0 न्यूमरेटर में आ रहा है और डिनोमिनेटर में कोई नंबर आ रहा है, ठीक है, तो 0/5 तो 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5/0 नॉट डिफाइंड होगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर आपको किसी ने दिया 7/0 तो बेटा ये होगा मैथ्स में नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 होता है तो ये मैथ्स में डिफाइंड नहीं है अभी तक, ठीक है, इसको हम नॉट डिफाइंड बोलेंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी ने आपको 0/7 दे दिया तो बेटा ये 0 आ जाएगा, 0/7, न्यूमरेटर में अगर 0 होता है तो आंसर कितना आता है, 0। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो आंसर कितना आता है, नॉट डिफाइंड, समझ गए। तो अब मुझे बताओ कि 1/0, देखो 0/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0 हो गया, लेकिन 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये देखिए नॉट डिफाइंड, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम 0/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने चले थे, यस सर, क्या आ गया, नॉट डिफाइंड आ गया। भाई जैसे निकाला जाता वैसे हमने निकाला, 1/0 आ गया, नॉट डिफाइंड। तो चेक करो क्या ऑप्शन में कहीं पे नॉट डिफाइंड है, यस, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज नॉट डिफाइंड, ओके बच्चों। और एक चीज और यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/1 पूछ ले, और चाहे वो आपसे क्या पूछ ले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 पूछ ले, आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। क्यों सर, क्योंकि ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर उसने हमसे क्वेश्चन पूछा होता फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 का मतलब 0 का बेटा अगर वो पूछता तो 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0/1, भाई चेक कर लो, 0/1 0 ही होता है, यानी कि 0 को लिखने का स्टाइल क्या है, 0/1। तो चाहे वो 0 का पूछे चाहे वो 0/1 का पूछे, बात क्या है, सेम है, ओके। तो 0 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट डिफाइंड और 0/1 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट डिफाइंड होता है, कॉपी में नोट लगा लीजिए।